आज बात करेंगे अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना के बारे में। रिहाना ने अपनी ट्वीट पर किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए साथ ही उन्होंने लिखा है, हम लोग इसके बारे में बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। रिहाना के ट्वीट के बाद कई बॉलीवुड सितारों, स्पोर्ट्स स्टार और नेताओं ने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन पर अंतर्राष्ट्रीय स्टार का सचिन तेंदुलकर ने विरोध करते हुए कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में से दूर रहें। सचिन तेंदुलकर ने आज से पहले ट्वीट क्यों नहीं किया, जब 150 से ज्यादा किसान शहीद हो गए उस पर ट्वीट क्यों नहीं किया। सचिन तेंदुलकर के ट्वीट के बाद उनके फैन उनसे नाराज हो गए हैं। एक यूजर ने लिखा है, जिसे भगवान माना जाता था वह एकदम यूजलेस निकला। भगवान के पास रीढ़ की जगह एक रबर स्टाम्प है। सचिन का विरोध करने वाले इन लोगों ने रिहाना को केरल आने का निमंत्रण भी दिया है। एक और यूजर ने लिखा है, मैं आपको क्रिकेटर के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी मानता था, लेकिन आपसे अब भरोसा उठ गया है। सत्ताधारी पार्टी की चाटुकारिता आपने भी नहीं छोड़ा। एक और यूजर ने लिखा, सचिन जी 70 दिन से आप कहां थे, आपने आज चुप्पी तोड़ी है। 150 किसान शहीद हो चुके हैं, आपने एक शब्द नहीं बोला। आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी वही अनाज खाते हैं जो हमारे देश के किसान उगाते हैं। आपको नहीं लगता सरकार किसान के साथ गलत नीति अपना रही है? आपको बताते चले कि केरल के कोच्चि में सचिन के फोटो पर काला तेल डालकर विरोध जताया। सचिन तेंदुलकर को मनदीप पुनिया से सीख लेने की जरूरत है। आइए सुनाते हैं क्या है, क्या रहे हैं मनदीप पुनिया जब तिहाड़ जेल से बाहर आए वीडियो। इतना चैलेंजिंग बना दिया पावर ने और उसको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। मेरे को भी डिस्टर्ब किया गया और मेरी तरह ही जो कप्पन सिद्दीकी साहब हैं उनको भी फ्री किया जाए। वो भी पत्रकार हैं और मेरे जैसे जितने भी रिपोर्टर्स हैं जो अलग अलग जगह पर जो फेस कर रहे हैं, स्टेट का जो रिप्रेशन है उसको फेस कर रहे हैं, उनको फ्री किया जाए और जो जेल में उनको फ्री किया जाए। हमारा काम क्या होता है, हम रिपोर्ट करना होता है। मुझे तिहाड़ में भेजा गया तो तिहाड़ से भी मैं एक रिपोर्ट लिख के लेकर आया हूं और वो आप लोगों के सामने कल मैं जरूर रखूंगा। मैं अपने जो नोट्स हैं, जितने भी जो जर्नलिस्टिक नोट्स हैं वो मैंने अपने पैरों पे लिखे हैं पेन से। वो उसका रीजन ये था कि मेरे को पैरों पर ही चोट मारी गई थी, तो वो वैसे वही मैंने अपने जर्नलिस्टिक नोट्स लिखे हैं। मुझे मौका मिला वहां पर अंदर जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनसे बात करने का, उन्हीं की रिपोर्ट ही कल मैं करूंगा। हमारा काम एक्टिविज्म या ये सब एक अलग चीज है, लेकिन रिपोर्ट करना होता तो मैं तिहाड़ में था, वहां से भी मैंने रिपोर्ट किया है। आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम तिहाड़, ये मैं कल लिखूंगा। बिल्कुल मैंने तिहाड़ से रिपोर्ट की है, सरकार ने मुझे मौका दिया अंदर डाल के, तो ठीक है। मुझे इसको अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल लिया कि मुझे मौका मिला जो किसानों को गिरफ्तार किया गया है उनसे बात करने का। दूसरा जो सबसे मुश्किल काम हो चुका है ग्राउंड से रिपोर्ट करने का, उसको थोड़ा उसको हमें आगे लेके जाना है। चाहे कुछ भी हो, हम रिपोर्ट करने से नहीं हटेंगे और जो पावर हमें जितनी बार दबाएगी उसको हम लगातार उसको जवाब देंगे और जो भी होगा देखेंगे एक साथ मिलकर इसको। और सबसे मैं एक थैंक यू करना चाहूंगा कोर्ट का, जो जिन्होंने मुझे पूरा विश्वास है संविधान पर जो मेरे साथ होगा वो ठीक ही होगा। मैं एक जो नोट लिख के लेके आया हूँ अपने पत्रकारिता आगे, वो ये लिख के लेके आया हूँ। इसमें मैंने किसानों के नाम है ये, और जो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो मैं लिख के लेके आया हूँ। वो इसलिए लिख के लेके आया हूँ ताकि मैं कल रिपोर्ट कर पाऊँ अपनी। ये मेरे रिपोर्टिंग नोट्स हैं। सर एक मिनट, नाम